अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी सोमवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधिवत पूजा हुई और रामलला की अलौकिक प्रतिमा मंदिर में विराजमान हुई। इस मौके पर देश और दुनिया से हजारों राम भक्त अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर को बनवाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी अपनी क्षमता और आस्था के मुताबिक दान किया है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर को अब तक करीब 5500 करोड़ से ज्यादा दान मिल चुका है। इसके अलावा चंदा अभी भी दिया जा रहा है। राम मंदिर के लिए दान करने वालों में एक राम भक्त ऐसे भी हैं जो खुद को फकीर कहते हैं लेकिन दिल से काफी अमीर है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू की। रामकथा के जाने माने कथावाचक मुरारी बापू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाता के रूप में सबसे आगे रहे हैं। 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाने वाले बापू ने कुल 18 करोड़ 60 लाख रुपए की दान सेवा की है। मुरारी बापू के अलावा सूरत के रहने वाले एक कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान किया है। इन दोनों के अलावा साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण ने 30 करोड़ का दान किया है। अनुपम खेर ने मंदिर ट्रस्ट को उपहार में ईंटें भी दी थी। हनुमान फिल्म के मेकर्स ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए का दान किया है। अंबानी परिवार ने 2 करोड़ 51 लाख का दान किया। हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढुलकिया ने 11 करोड़ का दान किया। वहीं सूरत के एक अन्य व्यापारी ने 10 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने 10 करोड़ का दान किया है। इसके अलावा कई बॉलीवुड सितारे जैसे अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, मनोज जोशी, इन सभी ने राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ ना कुछ दान किया है। हालांकि इन्होंने कितना दान किया है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। राम मंदिर को हजारों करोड़ दान में मिल चुके हैं, साथ ही साथ ये सिलसिला अभी भी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा को 2 दिन हो चुके हैं और लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं।